नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी केयर विद दिशु में आपका स्वागत है। दिशु की दुनिया में आपका बेहद बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरे जो दोनों सिजेरियन हुए थे उनका टाइम पीरियड क्या था, बीच का गैप क्या था और इतनी जल्दी मैंने प्रेगनेंसी क्यों की और सिजेरियन ही क्यों हुए। तो सिजेरियन से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, बट फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ, मुझे भी कमेंट सेक्शन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आशा करती हूँ कि आप भी कमेंट करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिजेरियन की बात करूँ, मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी वो थी वो 2018 में हुई थी और पहला सिजेरियन मेरा जो था वो अक्टूबर 2018 में हुआ। अब बात करते हैं पहला सिजेरियन हुआ क्यों, सिजेरियन क्यों हुआ, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई। लास्ट टाइम तक मुझे यही था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी लास्ट 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 मोमेंट तक, बट मेरी जो बेबी थी इंटरनल चेकअप से डॉक्टर्स को पता चला कि मेरी जो बेबी गर्ल है वो ब्रीच पोजिशन में है, नॉर्मली वो नहीं हो सकती है बॉर्न। सो इसीलिए मेरा लास्ट मोमेंट पर डिसाइड हुआ, डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि सिजेरियन ही होगा। ब्रीच पोजिशन, जो बच्चा ऊपर की तरफ उसका सर होता है और नीचे की तरफ पैर होते हैं, उसे हम ब्रीच पोजिशन मतलब कि उल्टा बच्चा कहते हैं। ब्रीच पोजिशन के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट की हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, और नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ जाइए फटाफट से चैनल पर देखिए। अब बात करते हैं, पहला सिजेरियन मेरा हो गया 2018 में एंड उसी के टू मंथ्स इलेवन डेज बाद मेरी जो बेबी गर्ल थी वो नहीं रही। एक्चुअली उसको कुछ प्रॉब्लम थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और मैंने पहले भी शेयर किए हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। सो दो महीने 11 दिन पर मेरी बेबी गर्ल नहीं रही, देन आई विल डिसाइड की। सो इस टाइम पे मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था, अपना मन बना लिया था कि मुझे जल्द से जल्द कंसीव करना है। पर जब मैंने डॉक्टर विजिट किया और उन्होंने मुझे समझाया कि आफ्टर 6 मंथ ही आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हो, सो मैंने 6 महीने बाद दोबारा विजिट की तो उन्होंने मुझे सबसे पहले 3 मंथ्स की मेडिसिन दी जिससे कि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो सके, बिकॉज मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, इरेगुलर थे। सो पीरियड्स रेगुलर के बाद उन्होंने फिर 1 मंथ की मुझे कंसीव करने के लिए मुझे मेडिसिन दी और मुझे समझाया कि मुझे किस तरीके से ट्राई करना है कंसीव करने के लिए। सो फाइनली सिजेरियन के 10 मंथ्स बाद मुझे गुड न्यूज़ मिली। सिजेरियन के 10 महीने बाद मैंने कंसीव कर लिया था और मैं फिर से खुशी की तरफ बढ़ने लगी थी कि मुझे अच्छा फील होने लगा था कि चलो जो मेरी बेटी गई है वही मुझे वापस से मिल जाए। और पता नहीं ऐसा जिन मॉम्स के साथ होता है वही इस चीज़ से रिलेट कर पाती हैं कि चाहे उनका बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भगवान के पास गया हो वही वो चाहती हैं कि वापस मिल जाए। सो इस तरीके से मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी रही। देन उसके बाद डिलीवरी की बात करते हैं। सो लगभग 1.5 ईयर्स मतलब 1.5 साल के गैप में मेरे दोनों सिजेरियन हो चुके थे, क्योंकि 10 महीने बाद मैंने कंसीव किया था और 9 मंथ बाद मेरा जो सिजेरियन हुआ था वो कंप्लीट 40 वीक्स में नहीं हुआ था, क्योंकि जब आप जल्दी कंसीव कर लेते हो तो आपकी डिलीवरी जो है वो जल्द से जल्द हो जाती है, आफ्टर 37 वीक्स वो जल्द से जल्द करने की सलाह देते हैं। सो अगर आपको जानना है कि मेरी डिलीवरी कौन से वीक में हुई थी तो आप मेरे अदर वीडियोज़ की तरफ भी जा सकते हैं। प्रेगनेंसी की बात करूँ तो काफ़ी रिलैक्सेबल रही थी बिकॉज मैं हैप्पी रहती थी, खुश रहती थी। खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे तो फिर वो मेंटली आपको डिस्टर्बेंस होती है। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।